दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में ईस्टर के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में ईस्टर के अवसर पर रविवार को विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां विशेष रूप से पास्टर राकेश प्रकाश पहुंचे, जिन्होंने प्रभु के वचनों से ईस्टर सभा में मौजूद ईसाई धर्मावलंबियों को अवगत कराया, जिसके पश्चात चर्च में महिला सभा MYF एवं संडे स्कूल द्वारा गीत का आयोजन किया गया, जिसके दौरान समाज के बच्चों ने प्रभु यीशु की आराधना करते हुए गीत प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि मेनोनाइट चर्च में पिछले रविवार से खजूर रविवार के रूप में दुख भोग सप्ताह एवं पुनरुत्थान पर्व मनाया जा रहा था, जिसका समापन ईस्टर के अवसर पर किया गया। इस सप्ताह में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से प्रभु यीशु की आराधना की गई। इस संबंध में न्यूज टीम को पास्टर राकेश प्रकाश ने अपनी जानकारी दी। पर्व है वो एक सप्ताह तक मनाया जाता है। पिछले रविवार से लेकर आज तक यहाँ पर प्रतिदिन आराधना हुई है। हम लोग 17 तारीख को आज जो ईस्टर है हमने इसे मनाया, और इसके पहले का जो संडे था 10 तारीख उसको खजूर रविवार के रूप में मनाया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वागत यरूशलेम के सड़कों पर करीब 27 लाख लोगों की भीड़ वहाँ पर थी, और यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर वहाँ पर गए। गधे पर इसलिए कि वो उनकी विनम्रता का प्रतीक है। वो चाहते तो घुड़सवारी रथ पर जा सकते थे, हाथी की सवारी कर सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत ही नम्र स्वभाव के थे और उनका राज्य जो था वो संसार का राज्य नहीं था लेकिन आत्मिक राज्य था। आज हमारा जो दुख भोग सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो समाप्त होता है, और आज ईस्टर के रूप में, मतलब आज के दिन हम मानते हैं, विश्वास है हमारा कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा, और वो हमारा जीवता परमेश्वर है और हम उस पर विश्वास करते हैं। मेरा परिचय, मैं रेवरेंट राकेश प्रकाश, इस स्थानीय रूप मेनोनाइट चर्च का मैं एक पास्टर हूँ और इस चर्च की देखभाल मैं करता हूँ। ग्रैंड एसएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।